हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूरिच नोमडस सीसी और पावर सीसी के बीच में खेले जाने वाले आज के इसे स्विट्जरलैंड टी10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड टी10 का मैच नंबर दूसरा जो है खेला जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में लेना है, और बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी अपडेट आपको मिलती है, जैसे कि बैटिंग बॉलिंग सारे अपडेट आपको मिलते हैं, टॉस के प्लेइंग 11 के अपडेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरी एक फाइनल टीम आती है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना एडिट करके एक अच्छी टीम बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर दूसरा इस स्विट्जरलैंड टी10 का ZNCC और POCC के बीच खेला जाएगा। 2:15 मैच स्टार्ट होगा, और दोस्तों यहाँ पर रेन के चांस नहीं है। वेन्यू रहेगा दोस्तों स्टेडियम ग्रुंड मसून स्टे ग्लेन का, और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको देखने को मिलेगा इस वेन्यू पे। दोस्तों एवरेज को 90 से 120 के बीच में देखने को मिलेगा। बात करें टीम ZNCC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों इनकी तरफ से फहीम नाजिर हैं और हसन अहमद, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपन करने चाहिए। फहीम नाजिर एक अच्छा प्लेयर है, टी10 के 34 मैच में 756 रन है इसका, 29 का एवरेज है, 23 विकटें इसके नाम है 53 ओवर डाल के, तो ओवरऑल एक बढ़िया प्लेयर रहेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलोगे, कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है दोस्तों इसको फहीम नाजिर को। हसन अहमद एक बढ़िया लेफ्ट हैंड बैट प्लेयर है, टी10 के 72 मैच में दोस्तों 1280 रन, 28 का एवरेज है, और काफ़ी अच्छा इसका भी रिकॉर्ड है बैटिंग के अंदर, ठीक है, लेकर के चलेंगे, अच्छा प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों क्यू जाबी उल्ला है, टी20 के 5 मैच में 125 रन है, 25 का एवरेज है, एक बढ़िया प्लेयर है, राइट हैंड बैट करता है दोस्तों, बिल्कुल ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता दिखेगा, लेकर के चलेंगे। अजीम नाजिर टी10 के 8 मैच में 86 रन है, 12 का एवरेज, 9 विकटें इसके नाम है, 10 ओवर डाल के, ओवरऑल एक अच्छा रिकॉर्ड है बॉलिंग से और बैटिंग से एवरेज रिकॉर्ड रखता है ये, बाकी दोस्तों ट्राइबल रहेगा। सामीउल्ला सिकंदरी हैं, ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है, इनका अभी जो लाइनअप था उसमें ये थे, बाकी दोस्तों मुझे तो इनका स्टेट्स भी नहीं पता इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स मिलेगा और कुछ अच्छा रहा इनके तो बिल्कुल इसको सजेस्ट करूँगा। जावेद दानिश हैं, 14 का एवरेज है इसका, टी20 के अंदर उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बाकी विकेट कीपिंग करता हुआ दिख सकता है आपको, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। अरबाब खान है दोस्तों टी20 के 6 मैच में इसके अंदर 5 विकेटें हैं, और बैटिंग से भी एवरेज ठीक ठाक ही रहा है इसका, तो लेकर के चल सकते हो, ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर रहेगा ये। अमजद रहमानी आएंगे टी20 के 5 मैच में 2 विकेट 6 ओवर डाल के, ओवरऑल ये भी एक एवरेज प्लेयर है, बाकी अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों थाना बाला सिंघम है, जिनका टी10 के 8 मैच में 5 विकेट है, 2 ओवर डाल के, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टी10 के अंदर ऐसे बॉलर्स को थोड़ा बहुत हेल्प देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। इड्रिस तारिक हैं, जिनका टी10 के 7 मैच में 5 विकेटें हैं, बैटिंग से बहुत पुअर रिकॉर्ड है लेकिन बॉलिंग से थोड़ा बहुत एक कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। जय उल्ला अमर खेल है टी20 के 4 मैच में इसके नाम 4 विकेट है, प्लेयर बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल ट्राई करना चाहो तो करके चल सकते हो, पर मैच पर विकेट के हिसाब से ये आपके लिए बॉल कराए। अभी के लिए इनकी टीम से फहीम नाजिर, हसन अहमद, क्यू जाबी उल्ला को लेकर के चलेंगे, आजिम नाजिर को लेकर के चल सकते हो। नीचे से दोस्तों अरबाब खान है एक अच्छे प्लेयर रहेंगे, और थाना बाला सिंघम भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, इड्रिस तारिक है, फिर जाइउल्ला अमर खेल में से किसी एक को लेकर के चलना, बाकी इनके बेंच के प्लेयर में से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, कोई भी खेले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, स्टेट्स। और बाकी यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो फहीम नाजिर हैं, जिया उल्ला अमर खेल हैं, डेथ ओवर्स में अरबाब खान है, फहीम नाजिर आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। बात करें दोस्तों टीम POCC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम POCC की तरफ से ओपन करेंगे ओस्मा महमूद, और उनके साथ दोस्तों अब्दुल्ला राणा, ये मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करते हुए दिखेंगे आपको। और ओस्मा महमूद का देख सकते हो टी10 के 6 मैच में 120 रन है, 24 का एवरेज है इसका, प्लेयर बढ़िया है, बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो, अच्छा खासा रिकॉर्ड रखता है ये, ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों, बॉलिंग भी करता हुआ दिखेगा तो बिल्कुल इसको लेकर के चलना है। 6 मैच में 5 विकेटें का भी रिकॉर्ड है तो एक अच्छा प्लेयर है। अब्दुल्ला राणा टी20 के 5 मैच में 234 रन, 78 का एवरेज है, ओवरऑल एक बढ़िया प्लेयर है, 6 विकेटें भी इसके नाम है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल लेकर के चलेंगे, हार्ड हिटर प्लेयर है दोस्तों, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी देकर के चलना है इसको।
अफजल सिकंदर T10 के 6 मैच में 25 रन है, 3 विकेट है, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, लेना ले लेना, ठीक है। असद मोहम्मद है दोस्तों T10 के 15 मैच में इसके नाम 355 रन है, 32 का एवरेज है, एक ठीक ठाक रिकॉर्ड ये रखता है, ठीक है, बिल्कुल लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, बैटिंग से पॉइंट्स देकर के जाएगा। उसके बाद दोस्तों सत्यनारायण है जिनका T10 के 9 मैच में 90 रन है, 22 का एवरेज है, ओवरऑल एक बढ़िया प्लेयर है, बिल्कुल टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अली नैयर T10 के 20 मैच में 134 रन, 14 का एवरेज, 18 विकेट इसके नाम है, बॉलिंग से काफ़ी अच्छा पॉइंट देकर के जाएगा और 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता हुआ दिखेगा, तो ले करके चलना है। उसके बाद दोस्तों कैनराडो फ्लेचर हैं जिनका T10 के 15 मैच में 13 विकेटे का है रिकॉर्ड, प्लेयर बढ़िया है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराएगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलना, 2 ओवर की बॉलिंग कराता दिखेगा आपको। शहनवाज मोहम्मद है दोस्तों T10 के 6 मैच में 2 विकेट का रिकॉर्ड है, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड तो नहीं है, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी रहेगी, लेना लेना। फारिद अहमद T10 के 4 मैच में 2 विकेट का रिकॉर्ड है, एवरेज प्लेयर है। फजे लामिन रसेक हैं दोस्तों T20 के 4 मैच में 7 विकेट का रिकॉर्ड है, 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करे गए, टीम में लेकर के चलेंगे, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इसका। अभी के लिए इनकी टीम की तरफ से ओस्मा महमूद हैं, अब्दुल्ला राणा हैं और असद मोहम्मद हैं दोस्तों, सत्यनारायण को लेकर के चल सकते हो और नीचे से अली नैयर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, कैनराडो फ्लेचर हैं जिनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है और फजल आमिन रसेक एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में से देख लीजिए, इनमें से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बलजिंदर सिंह का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है यहाँ पे दिख रहा है मुझे और अब्दुल्ला रहमानी भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो फजे लामिन रसेक हैं, अली नैयर हैं डेथ ओवर्स में, कैनराडो फ्लेचर हैं, अली नैयर बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से तो सबसे पहले एच अहमद को लेकर के चलेंगे, इनका रिकॉर्ड तो काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे दोस्तों सत्यनारायण को लेना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी, बाकी मैं अभी के लिए बैटिंग सेक्शन में आऊँ। असद मोहम्मद हैं, इनको तो बिल्कुल लेकर के चलूँगा, क्यों जाबीउल्लाह को बिल्कुल अपनी टीम में लेकर के चलूँगा दोस्तों, बढ़िया रिकॉर्ड है इसका, एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। बाकी राणा, असद राणा, अब्दुल्ला राणा सॉरी, इसका सिलेक्शन देख सकते हो, ये मेन ट्रम्प रहेगा, अगर ये खेलेगा तो बिल्कुल ये टीम में रहेगा दोस्तों, अभी के लिए तो मैं लेकर के चलूँगा, ठीक है। बाकी मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आऊँ तो फहीम नाजिर हैं, अली नैयर हैं, फ्लेचर हैं, इनको भी लेकर के चलना है, ए नाजिर अच्छे प्लेयर हैं, ये खेलेंगे तो बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे। ओस्मा महमूद का देख सकते हो दोस्तों, रिकॉर्ड बढ़िया है लेकिन सिलेक्शन रेट बहुत कम है, ओपनिंग पे आएगा, 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। बाकी दोस्तों नीचे से उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं दिख रहे हैं, मैं बॉलिंग सेक्शन में आऊँ तो बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों थाना बाला सिंघम है एक प्लेयर, तो यहाँ से बिल्कुल लेकर के चलूँगा और आपके पास यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, जैसे कि आई तरीक को लेना चाहो तो इनको लेकर के चल सकते हैं, नोमन खान है अच्छा ऑप्शन, ठीक है, प्लेयर अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी रहेगी कि आप किस पे जाना चाहोगे, अभी के लिए दोस्तों इनको तो नहीं लूँगा, बाकी सिकंदर को लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये अभी के लिए मेरी डेमो टीम है, जिसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो ओस्मा महमूद हैं, फहीम नाजिर हैं और ए राणा है दोस्तों, अगर खेलेगा तो बिल्कुल मैं देके जाऊंगा ग्रैंड लीग के अंदर, तो बिल्कुल इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ए नैयर है दोस्तों एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ये भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। बाकी दोस्तों मेरी फाइनल टीम जो रहेगी वो टेलीग्राम पे आएगी और कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।